हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के बारे में बताऊंगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले हैं साइन, कॉस एंड टेन। इनको आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को निकाल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस खाने में 0, 1, 2, 3, 4, अब इन सारे नंबरों को जितने मैंने लिखा है अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इन सभी नंबरों को जितना है आप इसे अंडर रूट के अंदर बंद कर दीजिए। जब इन्हें अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे, 0/4, 0/4 का मान 0 होता है और अंडर रूट से जब 0 का मान निकलेगा तब उसे हम 0 ही कहेंगे, यानी कि sin 0 डिग्री का मान 0 आया। इसी तरह इसे देखिए, 1/4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि sin 30 डिग्री का मान 1/2। 2/4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/√2, यानी कि sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। अब इसको जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा 3/4, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है, यानी कि sin 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। इसी तरह 4/4 1 होगा, 1 अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा 1, यानी कि sin 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ से अब ये जो sin 90 डिग्री का मान है आप इसे यहाँ cos 0 डिग्री के मान में कर दीजिए, 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और जो sin 60 डिग्री का मान है वो cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, sin 45 डिग्री का मान जो है वही cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है। अब sin 30 डिग्री का जो मान है वही cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, और sin 0 डिग्री का जो मान है cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अब टेन वन निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू sin θ/cos θ, sin θ/cos θ, यानी इसका अपान इसका अगर हम निकाल दें तो ये मान 10 का निकल जाएगा, यानी कि 0/1 कितना होता है 0 होता है, 1/2 √3/2 जब निकालेंगे तो 1/√3 आएगा, 1/√2 और 1/√2 का वैल्यू 1 आएगा। और इसी तरह 60 डिग्री का मान जब आप निकालेंगे, इसका √3/1/2 को जब निकालेंगे तो √3 आएगा, और 1/0 का मान इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह के ट्रिक्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।